नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, इंडिया के कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया और इंडिया जल्द ही सबमरीन केबल्स द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देश एनर्जी डिप्लोमेसी के एक न्यू एरा एक्सटेंड करने के लिए क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, इंडिया सऊदी अरेबिया एक्सप्लोर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विया अंडर सी केबल्स। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। सऊदी अरेबिया के पास बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, तो ये बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है या फ्यूचर में भी प्रोड्यूस करे। इसके पास रिन्यूएबल एनर्जी की काफी कैपेसिटी है, तो क्यों ना वहाँ से जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये इंडिया में ट्रांसफर कर दिया जाए। और इंडिया के पास भी इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो इंडिया भी ट्रांसफर कर सकता है, उसके लिए इंडिया को ग्रिड की आवश्यकता है। तो ये अंडरसी केबल जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होता है उसी प्रकार से काम करेगा, और ये दोनों देश के बीच एक न्यू एरा ऑफ एनर्जी डिप्लोमेसी होने जा रही है। सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान इंडिया विजिट के लिए आए थे। इन्होंने कई सारे लोगों के साथ मुलाकात की और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए डिस्कस किया गया। और सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो एक बड़े दौरे पर जाने वाले है इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और जापान में, और इससे पहले वो इंडिया में भी आएंगे। दोनों कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि इसका कॉमर्शियल वियबिलिटी कितना होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी कॉस्ट कम आती है अंडरसी केबल के माध्यम से, तो ऑब्वियसली अंडरसी केबल लगाने का फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर अंडरसी केबल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ये ज्यादा सस्ती है, बड़े स्केल पर मिल सकती है, तो इसके लिए क्यों ना हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए हमें कॉमर्शियल वियबिलिटी चाहिए होगी और बहुत टाइम लग सकता है इसको एक्सटेंड करने के लिए। यहाँ पर इंडिया चाहे तो अबुधाबी की गवर्नमेंट भी इसमें शामिल हो सकती है। मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया के पास यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पर 7 एमिरेट्स आते हैं जिसमें सबसे बड़ा है अबुधाबी। तो यहाँ पर इंडिया चाहे तो अबुधाबी गवर्नमेंट को भी इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर सकता है, और सऊदी अरेबिया, अबुधाबी एंड इंडिया तीनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। ये अंडरसी केबल की कैपिटल कॉस्ट $15 बिलियन से $18 बिलियन आसपास हो सकती है। ये अभी फाइनल फिगर नहीं है, ये कॉस्ट चेंज भी हो सकती है। इसको एक्सटेंड करने के लिए सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर ने टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, JSW, स्टेरलाइट पावर, अदानी जैसे कई सारे इंडिया के लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट्स को इन्विटेशन भेजा है। डिस्टेंस की बात करें तो गुजरात कोस्ट से फुजेरा एमिरेट तक का डिस्टेंस देखे तो ये लगभग 1600 किलोमीटर आसपास है। डिस्टेंस कम करना है तो ये केबल ओमान के माध्यम से भी जा सकती है, तो ये डिस्टेंस 1200 किलोमीटर आसपास हो जाएगा, जिसमें डीपेस्ट पॉइंट 3.5 किलोमीटर आसपास बनता। पिछले 3 साल से इसकी बातचीत चल रही थी, फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में बताया जा रहा, लेकिन अब जाके इसको पुश मिल रहा है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पुश किया जा रहा है। एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सीईओ ने कहा, ये प्लांट 15 मिनट ब्लॉक में पावर का बाय डायरेक्शनल फ्लो है। ये इंटरकनेक्शन विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी से जुड़े इंटरमिटेंसी इश्यू को सोल्व करेगा। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को पुश इसलिए मिल रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने 2018 में अनाउंस कर दिया था वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के बारे में, जहाँ पर सोलर एनर्जी के फ्लो को अक्रॉस कॉन्टिनेंट ले जाया जाएगा। सबसे पहले तो इंडिया को यहाँ पर मिडल ईस्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी अंडरसी केबल के माध्यम से, फिर अफ्रीका के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो ये वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड ये कोशिश की जा रही है इंडिया के द्वारा। ये बहुत ही एम्बिशियस प्लान है और इसका पहला फेज पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि अगर 3 गीगावाट का अंडरसी प्रोजेक्ट लाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ट्रांसफर होगा उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब $5 बिलियन आएगा। तो 3 गीगावाट के लिए अगर $5 बिलियन खर्च करते हैं ये फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहते हैं कि ज्यादा स्केल पर लगाना है। अंडरसी केबल तो हमें लगाना ही है, तो मिनिमम हमें 10 गीगावाट तो लगाना ही चाहिए, और इसका मिनिमम कॉस्ट करीब $15 बिलियन तो बताया ही जा रहा है। ये कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ केबल, कॉपर, एल्यूमिनियम जो भी यहाँ पर लगाया जाए, इसके अलावा शिप्स के माध्यम से इंस्टॉलेशन की जाएगी, दोनों एंड्स के बीच में टर्मिनल्स होंगे, तो ये सारी चीजें की कॉस्ट यहाँ पर बताई गई है। 3 गीगावाट की कॉस्ट $5 बिलियन। अगर इसको फिजिबल बनाना है तो मिनिमम 10 गीगावाट केबल लगाना चाहिए। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के जो सदस्य है उन्होंने कहा, इंडिया और सऊदी सिमिलरली प्लेस्ड है, यंग पॉपुलेशन है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों पार्टनरशिप करते हैं तो दोनों का जो एम्बिशन
कंडीशन है पीएम मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस दोनों सेंटर स्टेज पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया को सस्ता एल्यूमिनियम, स्टील, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की जरूरत है और इंडिया को सस्ता ऑयल, फ्यूचर चिप पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो दोनों देश अपना म्यूचुअल बेनिफिट इसके माध्यम से ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में एनर्जी डिप्लोमेसी आपको देखने को मिलेगी। इंडिया अकेला कंट्री नहीं है कि ये सब करने वाला है, कई सारे कंट्रीज है जिन्होंने पावर के लिए इलेक्ट्रिक केबल्स द्वारा कॉन्टिनेंट्स कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल देखें तो ये सऊदी अरेबिया और इंडिया दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और सऊदी अरेबिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ये 52% नेचुरल गैस से करता है, 40% ऑयल से करता है और 8% स्टील से करता है। और इस समय इसकी एनर्जी प्रोडक्शन देखोगे तो ये 55 गीगावाट है, लेकिन 2032 तक इसको 120 गीगावाट करना होगा। तो ये दोनों देशों को काफी हेल्प कर सकता है। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।